उसको लीन होके चलाने का भी अलग ही मजा है। ओह शिट 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 शिट। मैं थैंक्स बोलना चाहता हूँ सब्सक्राइबर्स को, मेरे 3000 सब्सक्राइबर हो गए हैं, 3000 प्लस। बंदा थोड़ा सा भी तेज, अगर यही बाइक मैं 200 पे रखी होती। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग भाई लोग। आज मैं आपको हायाबुसा की स्वीट सी स्वीट डेज चल रहे हैं, वैलेंटाइन वीक्स चल रहा है, तो वैलेंटाइन वीक पे स्वीट सी राइड पे ले जाएंगे आपको। भूसा बाहर, भूसा नहीं कहूँगा भाई, ब्लैक मांबा बाहर वेट कर रहा है मेरा। तो आज की राइड देखते क्या होता है भाई राइड में। तो सबसे पहले मैं आपको अपना फुल अटायर, आज इसी में ब्लॉग बनेगा, इसी पे राइड होगी। आज मेरा चेंज करने का बिल्कुल मन नहीं है कि मैं वो राइडिंग गेयर्स प्रॉपर वाले वो नहीं लगाऊंगा। हाँ, हेलमेट वेयर करूँगा, इसी में चलूँगा। आज कैमोफ्लाज राइडिंग होगी। सो गाइस, अब निकलते हैं अगली मंजिल की तरफ। तो ब्लैक मांबा का देखो, पहले एल निकाला किसी ने पिछली बार, इस बार सी निकाल दिया, इसको पैक मांबा बना दिया। चलो, और मैं थैंक्स बोलना चाहता हूँ सब्सक्राइबर्स को, मेरे 3000 सब्सक्राइबर हो गए हैं, 3000 प्लस। मैं चाहता हूँ बहुत जल्द ये 10K हो जाए, फिर बहुत जल्द 100K, और बहुत जल्द मिलियन भी हो, और होंगे भी इंशाल्लाह। तो आप लोगों की सपोर्ट रहेगी तो हम आपको व्लॉग भी दिखाते रहेंगे, जब तक हमसे हो पाया, जब तक हम में दम रहा तब तक, और इंशाल्लाह वो बहुत देर तक रहने वाला है। सो गाइस, बाइक हो रही है रेडी फॉर राइड, कोल्ड स्टार्ट पे रखा है ब्लैक मांबा को। इसकी HSRP प्लेट्स भी मंगवाई हैं, जैसे ही आती हैं फिर फिट करवाएंगे। कराते हैं आपको एक स्वीट सी भूसा राइड और ब्लैक मांबा राइड। फेंकते हुए हमारे रिवर्स को हमें पोल्यूटेड नहीं करना चाहिए, लेकिन लोग बाज नहीं आते। ये इस तभी रिवर की मतलब देन है, जम्मू शहर लाइफ लाइन ऑफ जम्मू सिटी, इसको हम पोल्यूटेड करेंगे तो नेचर के खिलाफ हमें कभी नहीं जाना चाहिए, लेकिन लोग बात नहीं आते। सो गाइस, अब आया सही जम्मू में बाइक चलाने का मौसम। देखिए धूप खिली हुई है, और इसी मौसम में आपको मज़ा आएगा। ज़्यादा गर्मी हो जाए यहाँ पे तो तब भी बाइक चलाने का मज़ा नहीं आता, लेकिन हमने हर मौसम का मज़ा इस बार लेके छोड़ना है इस ब्लैक मांबा हायाबुसा पे। अब थोड़ा अच्छा लग रहा है मुझे चलाने में, क्योंकि अब ये थोड़ा सा इसका इंजन गर्म हुआ है शायद। इस बार मैं सोच रहा था पहले नगरोटा की तरफ जाऊं, फिर मैंने कहा नहीं, आज डिफरेंट साइड चलता हूं। जा तो मैं अपने घर की तरफ रहा हूं, लेकिन घर तक जाऊंगा नहीं, रास्ते से मुड़ के वापस रोड पे पेडेस्ट्रियन और स्ट्रे एनिमल्स का ध्यान रखना है। ओह, सो आई एम अपोजिट टू सन।
देखो बच्चों की रिएक्शन, देखो बच्चों की रिएक्शन, देखो बच्चों की रिएक्शन, देखो आया भूसा। हायाबुसा की क्रेज, छोटे छोटे बच्चे भी इसका नाम जानते हैं कि ये कौन सी बाइक है। मुझे अभी भी है कई कार्स की क्रेज, देखते हैं कब पूरी होती है वो क्रेज भी। दिल में उम्मीद जरूर रखनी चाहिए, उम्मीद रखी होगी तो आप मेहनत करोगे, मेहनत करोगे तो खुदा आपको देगा। ये मेरी तरफ से आपको एक फंडा क्लियर करते हैं, कोशिश कुछ भी लाइफ में हासिल करने का। बस यहाँ पे इस साइड पे बस एक ही प्रॉब्लम है कि यहाँ पे टर्न्स है बहुत सारे, टर्न्स पे आप मतलब गाड़ी को थ्रॉटल नहीं दे सकते इतना जितना मतलब आप देना चाहते हो। सो गाइस मैं सोच रहा हूँ अब यहाँ से मैं चला जाऊँ। इट्स अ शॉर्ट राइड, इट्स अ शॉर्ट ब्लॉक। अब मैं छोटे छोटे ब्लॉक बनाया करूँगा, लोग बोर नहीं होंगे। मैंने सुना कुछ लोग बोर हो जाते हैं भाई, 30 मिनट का ब्लॉक आ रहा है आपका, 35 मिनट का, खासकर मोटो। लेकिन मोटो का अगर सफ़र ही लंबा हो भाई तो मेरा क्या कसूर है। आज मैंने इसलिए शॉर्ट राइड रखी है, वैसे भी मेरे पास टाइम ही इतना था। शॉर्ट राइड में इसको लीन होके चलाने का भी अलग ही मज़ा है। ओ शिट 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 प्रभा डोगरी मोड ऑन हो गया था ओ प्रभा मारना के और बंदा थोड़ा सा भी तेज, अगर यही बाइक मैं 200 पे रखी होती, सोच रहा होता कि भूसा को क्यों ना 200 प्लस चलाया जाए, तो इधर ब्रेक थोड़ी लगनी थी जब ये ट्राला बीच में मुड़ रहा था। और कोई छोटी मोटी गाड़ी हो तो आपको आगे पीछे जगह मिल जाएगी कहीं गिराने की बाइक को, ये तो सीधा टकराना था इसके साथ क्योंकि जगह ही नहीं थी और पूरे दोनों रोड ही उसी ने कवर कर रखे थे दोनों साइड से। फोर्ड वाले भैया बुरा मत मानो, साइड दे दो। मैं कैसे करूं क्रॉस इस नेस कैफे को, कम वक्त नट्टी मुझे याद आ जाती है। सो गाइस फाइनली मैं पहुंच चुका हूं नेस कैफे बेकर्स आरएस। बेकर्स आरएस में ये रही मेरी फेवरेट नट्टी भैया, एक नट्टी भाई। फैट की मात्रा अपनी बॉडी में बढ़ा रहा हूँ, सोच रहा हूँ क्यों ना थोड़ा थोड़ा फैट खाया जाए, थोड़ा नट्टी पाइस ब्राउनीज इस महीने में बहुत खाई हैं, लेकिन अब मैं छोड़ने भी वाला हूँ बहुत जल्द, फिर पूरा साल नहीं खाऊंगा, वादा रहा। यहाँ बड़ा ध्यान से बाइक चलाना पड़ती है, शायद रेसिंग ग्राउंड समझ लेते हैं इसको, इस हाईवे को लोग, तभी मुझे ज़्यादा चुकन्ने होकर बाइक चलाना पड़ती है। यहाँ पे मैं हर तीसरे दिन शॉर्ट राइड ब्लॉग्स, शॉर्ट राइड मोटो ब्लॉग्स बनाता रहूँगा। अगर पसंद आएगी आपको ये वीडियो तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। सो गाइस कैसी लगी आज की शॉर्ट राइड, इसमें यही था जो आपने देखा काफ़ी है, मुझे लगता है आज की राइड इतनी ही और ज़्यादा मेरी मोटो ब्लॉग्स यही होंगे शॉर्ट राइड्स वाले, 7-8 मिनट 10 मिनट के, ताकि आप लोग बोर भी ना हो जाओ। सो कमेंट्स में बताना कि कैसा लगा आपको ब्लॉग,
फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम टू चेता द कॉप एंड सब्सक्राइब माई चैनल चेता द कॉप।